क्या हो जाओ एक साल हुए जोड़ो यात्रा पे भाई नीचे आ जाओ टूट जाएगा यार कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया 4000 किलोमीटर। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई शांत हो जाइए आप भैया शांत हो जाइए प्लीज। तो 4000 किलोमीटर मैं पैदल चला हजारों लोग हमारे साथ इसको खींचो मत हेलो खींचो मत इसको 4000 किलोमीटर हम चले हजारों लोगों से मिला भाई आवाज के लिए आवाज के लिए इसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि लाखों लोग आवाज के लिए आवाज यात्रा पे चले यात्रा में कोई गिरता था धक्का लगता था जैसे अभी लग रहा है कोई गिरता था एकदम भीड़ उसको उठा लेती भीड़ उसकी रक्षा करती थी ऊपर कर लो किसान आए मजदूर आए भाई साहब व्यापारी छोटे व्यापारी आए बेरोजगार युवा आए उन्होंने अपनी बात रखी उनके दिल में जो दर्द था उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर क्योंकि होता क्या था बड़ी सी भीड़ थी भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी तो उसमें लोग आ जाते थे जैसे आजकल हम यहाँ जीप में कर रहे हैं तो आते थे और कहते थे छोटे व्यापारी कहते थे हमें डर लगता है कल का नहीं पता क्या हो जाए ऐसा माहौल बन गया है एक साइड हो गया बिना आईडी लेते रहना पूरी यात्रा में दे रहा हूँ मैंने नफरत कही नहीं आवाज जा रहा है बीजेपी के लोग भी आते थे आगे आरएसएस के लोग आते थे जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते तो ये देश मोहब्बत का देश है राहुल जी इधर भी देख के बोलिए राहुल जी इधर देखिए और ये देश जब ही मजबूत होता है ये जब ही मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलके काम करता है जैसे कोई भी परिवार में देखा आप नीचे थे हम प्रेम बन रहा था खराब कर दिया अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है बोलिए कमजोर होता है कमजोर तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा कमजोर होगा तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है देश को एक साथ करना एकजुट करना तो देश को एक साथ करना एकजुट करना जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है और सुनिए देखिए अजीब सी बात थी इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं जैसे अभी मैं यहां आया मंदिर में मैंने मत्था टेका गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं उसके सामने गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं मैं सिर झुका के सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया वैसे ही जब मैं भारत छोड़ो यात्रा पे चल रहा था मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था मैंने अपनी टीम को कह दिया आप इनसे पूछिए भारत छोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा राहुल जी हमें करना क्या है मैंने इनको कहा देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे गरीब लोग आएंगे अमीर लोग आएंगे सब के सब लोग आएंगे सब बोलेंगे जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए
कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। राहुल जी इधर भी तो जब हम ये कर रहे थे, राहुल जी इधर देखिए, राहुल जी इधर देखिए, मैं शांत हो जाए। जब हम ये कर रहे थे, इधर देखिए, अरे भाई आ रहा हूं, नाम क्या तुम्हारा? हाँ राहुल है ना, तुम्हारा नाम राहुल है? अरे ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो जब हम चल रहे थे हमें कोई थकानी नहीं हुई, सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते रहे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहां बैठ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है, यहां बैठ जाओ। अब देखो ये, अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? 2018 में इंटर का एग्जाम दिया है, मैगजीन यूनिवर्सिटी में 5 साल में, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ यूपी में। 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000, एमपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी, वैकेंट में 80,000, सारे रोजगार छीन रहे हैं हम लोग को, हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? अच्छा आपने इसमें कितना पैसा डाला है, कितना खर्चा किया? एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ, यहाँ एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जिनको जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है इसके बारे में मीडिया में एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा, हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ा जाएगा। जीएसटी आप दोगे? जीएसटी देश का गरीब व्यक्ति देगा? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? ये आपने जो शर्ट पहनी, ये टी शर्ट पहनी है, कितने के लिए आपने? 1100 रुपए की। इसमें आपने जीएसटी कितनी डाली? 18% लगी, 1100 में से 18% आपने जीएसटी दी। अब अगर आपके मालिक जो अरबपति है अगर वो यही शर्ट खरीदते तो वो कितनी जीएसटी देते? जितने आपने दी उतने देते, 18% देते, तो ये अन्याय है ना? ये अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया, मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, आपने इतनी शक्ति हमें दी, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अरे पल्लवी पटेल आ गए, पल्लवी पटेल आ गए, इधर चलिए चलिए, चलो इंटरव्यू करो, यहीं से स्टार्ट करो। काजल मैडम किनारे कर दिए हैं, वाइट हो, वाइट नहीं होगा। काजल आप पीछे आइए, इधर आइए, सुनो आओ चलो
गदौलिया चौराहे पे जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए हैं। यहां पर गदौलिया चौराहे पर उनके साथ पल्लवी पटेल भी जुड़ी और वही राहुल गांधी के बगल में उन्होंने भी अपना स्थान ग्रहण किया और उसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे की ओर प्रस्थान कर गया। हमने आपको पूरा ये गोलगड्डा से लेकर पीलीकोटी होते हुए विशेषरगंज चौराहा उसके बाद विश्वनाथ धाम में बाबा के दरबार में मत्था टेकने के बाद जो राहुल गांधी का काफिला गदौलिया चौराहे पर पहुंचा और जहां पर उन्होंने अपने विचारों को रखा, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, इन सभी बातों को हमने आपको बताया। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।